ये तो है ना। Navya Kumari from Grade 1 Lotus. Navya, the student who is selected as the sport trailblazer is none other than Sumit Kumar Yadav, and Sumit is receiving Riya Bharti from 1 Rose, Utsav Kumar from Grade 1 Rose. Congratulations to all my dear children. Parents, please give them a huge round of applause. They are the stars of our school. Dr. Sushma, madam, to please come forward because she is a person, like it has often been said, and I also do agree with her, a very warm person with a lot of kindness. Not only kindness, but she is the one who recognizes the sincere effort of our teachers. So she has something for the teachers and the admin staff. So can I please request you to come forward on the stage? जो हमारे माननीय चीफ गेस्ट हैं, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं इस विद्यालय में, विद्यालय के इस प्रांगण में। हमारी चेयरपर्सन कुमारी निर्मला शर्मा को, हमारे सेक्रेटरी श्री राम पदार्थ ठाकुर जी को, हमारी मेंटोर एंड गाइड मैडम सरोजा सहदेवन मैडम को, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे अभिभावक गण, उन सभी को आज विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है, जो अभी तो हमारा स्कूल बस 2 साल का बच्चा है, गिरते संभलते हम लोग 2 साल पूरा किए हैं। ये वोकेशनल कोर्स में भी इनरोल हो, ताकि मैट्रिक करते करते, बोर्ड एग्जाम देते देते बच्चे या जिसके जिस फील्ड में भी स्किल हो वह डेवलप कर सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं अभिभावक जितने भी हैं उनको बस मैं एक बात जरूर कहूंगी, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच कहने का मेरा बस यहाँ पर यही तात्पर्य है, जो आप अगर बच्चे को किसी स्कूल में डालते हैं, चाहे एक्स वाई जेड कोई स्कूल हो, चाहे वह बिरला ओपन माइंड्स हो या सरकारी स्कूल हो। हमारे मुख्य अतिथि बोले भी हैं जो सरकारी स्कूल का कोई स्तर नहीं है, नहीं, सरकारी स्कूल भी उतना ही अच्छा है, बस हम पेरेंट्स जागरूक नहीं है। अभी मैं बिरला ओपन माइंड स्कूल कवंडा में हूँ, उनका आज वार्षिक उत्सव था। मैंने अभी जो देखा परफॉर्मेंस बच्चों का, बहुत ही अतुलनीय परफॉर्मेंस है, और यह दिखा रहा है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं, वो काफ़ी सजग हैं बच्चों के प्रति, और निश्चित रूप से बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, जिस कारण के छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया, जो काबिल तारीफ है। इसलिए मैं इन बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैनेजमेंट से आग्रह करता हूं, किसी तरह से ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस स्कूल से निकालने वाले बच्चे हमारे दरभंगा का, हमारे मिथिलांचल का नाम रोशन करेंगे। मैंने तो शुरू में भी कहा है कि दरभंगा एजुकेशन का हब है, प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन का बहुत पहले से रहा है, यहाँ पर परंपरा रही है, प्रतिभा की कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअली फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल जोन में दुनिया में ये आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार अभी अपने स्कूलों को ठीक करने में लगी है, हम लोग भी उसी सिस्टम से पढ़ के आए हैं, आज यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन आज पढ़ने वालों को जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या शिक्षा उनको मिल रही है, सरकार खुद चिंतित है और पूरा प्रयास कर रही है कि उसको हम ठीक करें। निश्चित रूप से यह
जो विद्यालय दरभंगा शहर में स्थापित हुआ, दरभंगा से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर, और इस विद्यालय का जो स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहर के परिफेरल में बसे हुए हैं, वैसे लोगों को हम एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी व्यवस्था, एक शहरी वातावरण में हम कैसे दे पाए, इसी का मिशन आज के 2 साल पहले यहाँ स्थापित किया गया था 27 मार्च को। और उसमें निश्चित रूप से इन 2 वर्षों में जो इसका सहस्वावस्था है, इन 2 वर्षों में निश्चित रूप से इस विद्यालय ने एक मील का पत्थर अपनी एजुकेशनल क्वालिटी में स्थापित किया है।